आज हम आत्म परिचय और एक गीत कविताएं पढ़ेंगे। ये दोनों कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं। आत्म परिचय मतलब अपना परिचय, तो आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि ने अपना परिचय दिया है। आत्म परिचय, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन, जग मतलब संसार, यानी संसार के जीवन का भार, मतलब जिम्मेदारियां, मैं संसार के जीवन की जिम्मेदारियां या संसार की जिम्मेदारियां लेकर फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी मैं अपने जीवन में प्यार लेकर घूमता हूँ, यानी मेरे जीवन में तब भी प्यार है। कर दिया किसी ने झिंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झिंकर करना मतलब जिस प्रकार से हम वीणा के तारों को हाथों से स्पर्श करके, छूकर हाथों से एक संगीत की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उसी प्रकार कवि के जो सांस है उनको किसी ने छूकर झिंकर कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि कवि के जीवन में एक प्रिया का, यानी उसकी प्रेमिका का आगमन हुआ था जो अधिक समय तक नहीं रह सका, तो मैं उसकी यादों के सहारे घूमता रहता हूँ, उसकी यादों को अपने मन में लेकर घूमता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ उसके बारे में। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। सने का मतलब है प्रेम, सुरा का मतलब है शराब, यानी मैं प्रेम रूपी मदिरा का, प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, यानी मैं उसके प्रेम में डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैं इस संसार के लोगों की कोई परवाह नहीं करता कि संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग तो केवल उनको पूछता है जो जग के हित की बातें करते हैं, जो जग के भले की बात करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं वो करता हूँ जो मेरे मन में होता है, यानी मैं अपने मन का ही गान करता हूँ। जो मेरे मन में बातें आती हैं मैं उसी का गुणगान करता हूँ, उसी को दूसरे के बारे में बताता हूँ, वही मैं करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब है भाव, उर का मतलब है हृदय। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने हृदय के भाव को अपने साथ लेकर घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर यानी अपने ही उर, अपने ही हृदय के उपहार को लेकर घूमता रहता हूँ। उपहार क्या है? उसकी प्रेमिका जो उसके हृदय में विराजमान है, जिसको वो कभी भूल नहीं पाता। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहता है कि ये अधूरा संसार मुझे भाता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो सपनों का संसार लेकर घूमता रहता हूँ। अर्थात मैं अपनी कल्पनाओं में अपने संसार की रचना करता हूँ, अपने संसार के बारे में सोचता हूँ। कवि को संसार अधूरा क्यों लगता है? क्योंकि उसके जीवन में उसकी प्रेमिका नहीं है, इसलिए उसको यह संसार अधूरा लगता है। तो वो अपने मन में कल्पनाएं करता रहता है, सपने बुनता रहता है और उनको लेकर घूमता रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अग्नि का मतलब आग, यानी मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर, अग्नि मतलब क्यों कहा है कवि ने ऐसे? क्योंकि कवि विरह रूपी अग्नि में जलता है। विरह कहते हैं किसी से बिछुड़ने को, यानी जब कोई हमारा प्रियजन हमसे दूर रहता हो तो उसको हम विरह कहते हैं, उसकी जो पीड़ा होती है बिछुड़ने की पीड़ा को विरह कहते हैं। तो कवि किससे बिछड़ा हुआ है? प्रेमिका से। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा करना मतलब जलता हूँ उसमें, अपने शरीर की मेरी हानि होती है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में मस्त रहने की कोशिश करता हूँ कि मैं उन दोनों अवस्थाओं में मस्त रहूं। जब भाव सागर तरने को नाव बनाए, और ये संसार जो है
भाव सागर यानी इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि वो सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे करता है। मैं तो भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो संसार की जो मौजे हैं, यानी जो भी मेरे पास है, मैं उन्हीं के ऊपर बह जाना चाहता हूँ। मैं भवसागर को पार करने का कोई भी साधन नहीं जुटाता, यानी इस संसार रूपी सागर को मैं पार करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन कहते हैं युवावस्था को, जवानी को। उन्माद कहते हैं नशे को। यानी मैं अपनी युवावस्था में एक जोश लेकर घूमता हूँ। युवावस्था में एक अलग ही जोश होता है। तो कवि भी ऐसा ही कहता है कि मैं युवावस्था में यानी अपनी जवानी में एक जोश लिए घूमता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्माद मतलब नशा, यौवन का नशा, जवानी का नशा लेकर घूमता हूँ, और उन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब दुख, यानी उन उन्मादों में, उस उन्माद में, उस नशे में एक प्रकार का दुख है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी जो मुझको बाहर से तो हंसाता है। कहने का मतलब क्या है कि कभी दूसरों के सामने अपना दुख प्रकट नहीं करना चाहता, व्यक्त नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर से उसका हृदय रोता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, हाय मैं किसी की याद लेकर घूमता रहता हूँ। क्यों जलता है उसका हृदय अंदर से, क्यों रोता है? क्योंकि उसको अपनी प्रेमिका की याद आती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, जाना के पीछे बच्चों क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम बोलते हैं। तो कवि कहता है कि इस संसार के लोगों ने सारे प्रयास कर लिए, पर सत्य किसी ने नहीं जाना, यानी कोई जान नहीं पाया। क्या कोई जान पाया? नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो पहले तो आप यही समझ लो कि सत्य कवि ने किसे कहा है। सत्य कहा है ईश्वर को, प्रभु को। कवि कहता है कि संसार में ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबने बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन उसको कोई जान नहीं पाया, उसको कोई समझ नहीं पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान कहते हैं ना समझ लोगों को, दाना कहते हैं समझदार लोगों को। तो कवि का मतलब है कि इस संसार में अगर समझदार लोग हैं तो नादान भी हैं। फिर मूड क्या ना जग जो इस पर भी सीखे, सीखे के पीछे भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मूर्ख कहते हैं मूर्ख। तो कवि कहता है कि फिर इस संसार के लोग मूर्ख नहीं है जो इतनी बात जानने पर भी सीखना चाहते हैं कि सत्य को कोई जान नहीं पाया, फिर भी सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और मैंने इस संसार से जो सीखा है मैं तो उसको भी भूल जाना चाहता हूँ। मैं तो उसको भुलाने के लिए सीख रहा हूँ, उसको भूल जाना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और यानी मैं और जग यानी मेरा और जग का, इस संसार के लोगों का कहाँ का नाता, कैसा नाता है, क्या रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो कितने ही दुनिया रोज अपने सपनों में, अपनी कल्पनाओं में कितने ही जग रोज बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। इस संसार का और मेरा कोई नाता नहीं है। मैं तो रोज अलग अलग कल्पनाएं कर करके अलग अलग सपने बुनता हूँ, अलग अलग दुनिया बनाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और इस संसार के लोग जिस पृथ्वी पर, जिस धरती माँ पर वैभव जोड़ता है, वैभव मतलब धन, सुख संपत्ति, एस आराम के सुख साधन जो जुटाता है, सुख सुविधाएं जो जुटाने में लगा रहता है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं तो पग पग पर, हर एक कदम पर, प्रति पग, प्रति मतलब हर, प्रत्येक और पग कदम यानी प्रत्येक पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यानी मैं इस पृथ्वी पर कोई वैभव नहीं जोड़ना चाहता।
मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज का मतलब अपने, रोदन मतलब रोने में, राग गीत। मैं अपने रोने में एक गीत लेकर घूमता हूँ, यानी मेरे रोने में कई गीत छुपे हुए हैं जिनको मैं गाकर सुनाना चाहता हूँ। शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ लोगों के सामने, मैं मीठी भाषा में बात करता हूँ, शीतल वाणी में बात करता हूँ। शीतल मतलब ठंडी, वाणी मतलब भाषा, यानी ऐसी भाषा जो दूसरों को सुख दे, ऐसी भाषा में मैं लोगों के सामने बात करता हूँ, फिर भी उसमें आग लिए फिरता हूँ। आग कैसी? दूसरों के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं करता, मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि जलती रहती है। विरह कहते हैं अपने किसी प्रियजन से बिछुड़ने को, उसको विरह कहते हैं। तो वो किससे बिछड़ा हुआ है? अपनी प्रेमिका से। हो जिस पर भूपों के पार साध निछावर, भूप कहते हैं राजाओं को, पारसाद कहते हैं महलों को, यानी जिस पर राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाए, मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर कहते हैं टूटा हुआ मकान, यानी ऐसा मकान जो रहने योग्य ना हो, जो बिल्कुल टूट जाए, बस दिखे कि हाँ यहाँ कभी कोई मकान था, उसको खंडहर कहा जाता है। जिसके मकान हो, जिसमें बस मकान होने की एक निशानी मात्र हो, लेकिन मकान न हो, टूटा फूटा मकान खंडहर कहलाता है। तो मैं खंडहर का वह भाग लेकर घूमता हूँ जिस पर राजाओं के प्रासाद, यानी राजाओं के महल न्योछावर हो जाते हैं। तो वो खंडहर का भाग क्या है? वो खंडहर का भाग उसकी प्रेमिका है, जो अपने मन से वो भुला नहीं पाता। तो कहने का भाव क्या है कवि का, कि राजाओं के महलों की सुंदरता के सामने मेरे खंडहर की सुंदरता बहुत अधिक है। मेरा खंडहर उनसे अधिक सुंदर है, जिस पर उनके महल भी न्योछावर हो जाते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना? कवि कहता है कि जब मैं रोया तो तुम इसे कह रहे हो कि मैंने कोई गीत गाया है, मैं गा रहा हूं। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, और जब मैं फूट पड़ा यानी खूब अधिक रोया, तो तुमने कहा कि मैं छंद बना रहा हूं। छंद बनाना मतलब कविताएं लिख रहा हूं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, यानी जब मेरे मन में भाव उमड़े तो तुम इसको कह रहे हो कि मैं गा रहा हूं, मैं कविता गा रहा हूं, कविता या गीत। जब मैं फूट पड़ा तो तुम कहते हो छंद बनाना, और जब मैं खूब जोर जोर से रोने लगा तो उसको तुमने मेरा कविता करना या छंद बनाना मान लिया कि मैं कविता कर रहा हूं। जैसा कि पहले भी पढ़ा है इसमें कि मैं अपने रोदन में राग लिए फिरता हूं, उसके रोने में भी राग है। कुछ मतलब कवि के हृदय में जो भाव उमड़ते हैं वो गीत के रूप में, कविता के रूप में उमड़ते हैं, वो उसी से गीत या कविता बना लेता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो संसार क्यों मुझे कवि कह रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हो कि मैं गीत गा रहा हूं, मैं कविता कर रहा हूं? मुझे कवि क्यों कहा जा रहा है? मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। दीवाना जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है उसको दीवाना कहते हैं, जिसको किसी की कोई परवाह नहीं होती। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, वेश कहते हैं वस्त्र, जो हमारे कपड़े होते हैं, यानी वेशभूषा। मैं दीवानों जैसी ही वेशभूषा पहनता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, निःशेष मतलब थोड़ी सी मादकता है उसमें, थोड़ा सा जोश है उसमें। मैं थोड़ा सा जोश दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता कहते हैं नशे को, और मेरी मादकता जो है उसमें थोड़ी सी होती है। मेरे दीवानों के वेश में, यानी मेरे दीवानेपन में थोड़ी सी मादकता, थोड़ा सा नशा होता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि इस दुखी संसार को
मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जिसको सुनकर वो प्रसन्न हो जाए, झूम उठे, झुक जाए और लहराने लगे। झुकना मतलब जिसके सामने वो, जिसको वो स्वीकार कर रहे हैं, वो हृदय से स्वीकार करें, वो लहराए, वो मस्त हो जाए मेरी तरह। मैं इस संसार के लोगों को ऐसा संदेश देना चाहता हूँ।